बड़ी महिमा बताई गई यहाँ, भगवान के स्मरण की और नाम उच्चारण की। वाचा जन नाम कीर्तन, वाणी से जिनके नाम का कीर्तन करते हुए योगी काम कर्मों के साथ मुक्त हो जाता है, संसार बंधन से मुक्त हो जाता है। ये भगवान के नाम की विशेषता हुई। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। कभी कभी लोग इस भ्रम में हो जाते हैं, कहीं शास्त्रों में भी लिखा है कि भगवान के नाम का स्मरण करना चाहिए, तो वे स्मरण शब्द की व्याख्या करते हैं। स्मरण का अर्थ है कि मन में सोचना, पर ये अर्थ नहीं होता है। जैसे चैतन्य महाप्रभु कहते हैं स्मरणे न काल नियमित, भगवान के नाम के विषय में काल की कोई पाबंदी नहीं है, समय की। किसमें? स्मरण में, नाम स्मरण में। तो इस स्मरण का अर्थ है कीर्तन, इसकी व्याख्या की जाती है जिह्वा से नाम उच्चारण करना। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि राम 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 जिह जौलो तुन जपी है, तौलो तू कहूँ जाए तिहू ताप तपी है। विनय पत्रिका में कहते हैं जब तक तुम राम 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 ये जीव से नहीं जपोगे, कहीं भी जाओगे त्रिताप से मुक्त नहीं हो सकते। त्रिताप आधिदैविक आधिभौतिक आध्यात्मिक दुख, कहीं जाओ तवलो तू कहूँ जाए, स्वर्ग में जाइए, पाताल में जाइए, अमेरिका में जाइए, भारत में, कहीं ऑस्ट्रेलिया में, सब जगह दुख से दग्ध रहोगे। सुख का एक ही उपाय है कि राम 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 जिह जौलो तुन जपी। जिह्वा से भगवान का नाम जपना यही सुख का कारण है। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। मैंने बोली, बगुले बैठ करके 10-20 और बाबा बाबा पेड़ पर बोलते रहते, इसको बकवाद कहते हैं। बकवाद कुछ लोग करते रहते हैं, ये करो साधन ध्यान धरो, ये करो वो करो, कुछ नहीं, जिह्वा से नाम उच्चारण करो। तो गोस्वामी जी कहते हैं कि राम 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 जिह जौलो तुन जपी है, तौलो तू कहूँ जाए तिहू ताप तपी, ऐसे बोलते हैं कि और सूरत तर सूरत सरी तीर बिन नीर दुख पाई है। अगर राम नाम नहीं जपोगे तो गंगा जी के तट पर पानी के बिना मर जाओगे। वे कहते हैं सूरत सरी तीर बिन नीर दुख पाई है, सूरत तर उतरे तो ही दारिद्र सताई है। अब तो कल्प वृक्ष के नीचे भी जाओगे तो दरिद्रता सताएगी, राम नाम नहीं जपोगे तो कल्प वृक्ष के नीचे भी दरिद्रता सताएगी, गंगा जी के तट पर पानी के बिना मर जाओगे। सूर सरी तीर और छुट्टी बे के जतन विशेष बंधी जाओगे, हुई विष भोजन जो सुधा सानी खाओगे। छूटने का प्रयास कर रहे हो ना कर्मबंधन से, अगर राम नाम नहीं जपे तो विशेष बंध जाओगे, और ज़्यादा बंध जाओगे। जितने पंथ मत बता दुनिया में, ये करो ये करो ये करो, यदि भगवान का कीर्तन नहीं करेंगे तो और बंध जाएंगे, मुक्त क्या होंगे। अमृत सान करके खाओगे वह भी विष हो जाएगा। देखने में तो आदमी अमृत से शान है भोजन को, सचमुच में स्वर्ग से अमृत मंगा करके कोई शान है भोजन में, अमृत डाल कर ले खाने पर जहर हो जाएगा अगर राम नाम नहीं जपे। और सब साधन बेकार हैं, एक ही साधन कलयुग में चलता है, वह है भगवान के नाम का उच्चारण। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम तो श्री भगवान के नाम उच्चारण की इतनी महिमा है। नाम का उच्चारण करते हुए योगी शरीर छोड़ता है, जीवन में अभ्यास करता है तो वह मुक्त हो जाता है। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम 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 Hare Hare,
कृष्णा हरे कृष्णा कृष्णा कृष्णा